राशि के बारे में जानते हैं आप? कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती हैं। ग्रह कितने बोलते हैं हम? 9। 12 को 9 से गुणा करते हैं, आंसर क्या आता है? 108 मनकों की हम माला करते हैं हमेशा। हम उसी राशियों को नवग्रह की शांति के लिए हमेशा माला जपते रहते हैं, वो किसी भी नाम की हो लेकिन जपते उतनी है। ठीक। अब हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं जिंदगी के अंदर। अब वो पहलू आपको भी पता होना चाहिए कौन सा है। अगर राशि की बात करते हैं तो कृष्ण और कंस, कृष्ण और कंस एक ही राशि। हाँ जी, गलत या सही? अब कृष्ण और कंस एक ही राशि, लेकिन परिणाम, कर्म, परिणाम सब अलग अलग। ऐसा ही रहा। आगे चलते हैं। राम और रावण, राम और रावण सेम ही एक राशि, लेकिन फिर से कर्म अलग और फिर से परिणाम अलग। ठीक। अब राशियों का एक हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व है। राशियां हमारे जीवन में बहुत महत्व करती हैं। अब हमने किस तरफ चलना है ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरफ जाना चाहेंगे। एक समय की बात है, एक औरत, उसके घर के अंदर संतान नहीं थी। अब वो निसंतान औरत हमेशा परेशान रहती थी, हमेशा उसे परेशानियां रहती थी उसके जीवन के अंदर। और जिसके घर के अंदर औलाद नहीं है, बाल गोपाल नहीं है, उस घर के हालात आप जान सकते हैं। नहीं तो जिसके घर के अंदर संतान नहीं है उससे मिलिएगा, उससे कि क्या होता है उसके जीवन के अंदर। बहुत परेशान होते हैं। दुनिया जहान की नेमतें होती हैं, सब पैसा होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उस पैसे को भोगने वाला कोई नहीं होता। तो वो औरत बहुत परेशान, बहुत बहुत परेशान। तो ऐसे ही कोई सज्जन बाबा थे, तो वो रोज माता से मिलने जाते थे। अब वो रोज माता के दर्शन करने जाते थे, आदि शक्ति वो भवानी, उसके पास रोज जाना होता था उनका। तो वो औरत उनके पास जाती है, कहती है कि बाबा मेरे घर के अंदर बाल गोपाल नहीं है, संतान नहीं है मेरे घर के अंदर, तो आप मुझे ये बताइए, आप तो माता उस आदि शक्ति से रोज मिलने जाते हो, उस आदि शक्ति से रोज आपका मिलना होता है, तो मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन में संतान है या नहीं, क्योंकि हम हमेशा दुखों से परेशान रहते हैं, कोई नौकरी से, कोई कारोबार से, कोई व्यापार से, कोई संतान से, कहीं ना कहीं परेशानी है हमारे जीवन के अंदर। तो वो कहता है मैं माता से मिलता हूं रोज, ठीक है देवी चिंता मत कीजिए माता, मैं जाकर पूछूंगा कि तेरे जो नसीब है उसमें औलाद है या नहीं है। औरत बड़ी खुश हो जाती है, कहती बहुत बहुत धन्यवाद, कह रही मैं शाम को यहीं पर वेट करूंगी आपका, और बताइएगा कि औलाद है या नहीं है, माता से पूछिएगा उस शक्ति से, क्योंकि वो शक्ति सर्वोसर्वा है। अब वो पहुंचते हैं, वो बाबा वहां पर जाते हैं और जाकर माता को नमन करते हैं कि माता वो फलानी जगह के ऊपर एक औरत थी, मिली है मुझे, वो पूछ रही है मेरी किस्मत में औलाद का सुख है, मेरे बच्चा होगा या नहीं होगा। अब माता सामने, आदि शक्ति कहती है कि बेटा ये विधि का विधान है, बालक जाकर उस औरत को बोल देना कि तेरे संतान नहीं होगी, औलाद का सुख नहीं है तेरी जिंदगी के अंदर। व्यक्ति बड़ा परेशान, कहता है मैं किस मुंह से बोलूं, वो औरत तो इतनी परेशान है, कैसे बताऊंगा मैं उसे, वो तो रो रही थी, इतनी परेशान है, अब मैं जाकर उसका दिल तोड़ दूंगा तो बहुत दुख होगा। जाता है नीचे, लेकिन सत्य तो बताना ही है। कहती औरत नीचे पहले खड़ी होती है वहां पर, कहती क्या हुआ, क्या कहा माता ने, आज शक्ति क्या बोली, वो तो कुछ भी कर सकती है। कहता वो शक्ति ने बोला है कि ये विधि का विधान है, तेरे औलाद नहीं हो सकती, संतान घर के अंदर हो ही नहीं सकती। औरत रोने लग पड़ती है, बहुत परेशान हो जाती है, रोती है, कहती अब तो माता ने भी बोल दिया, आदि शक्ति ने भी बोल दिया कि औलाद नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है, अब तो कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। लेकिन हार नहीं मानती, वो दोबारा कहती है, कहती क्या पता माता से गलती हो गई हो, माता ने किसी और का बोल दिया, एक बार दोबारा पूछ ले, भाई अगर पूछ लेगा तो बड़ा धन्यवाद। कहता मैं सुबह जाऊंगा दोबारा पूछता हूँ, भागता हुआ जाता है सुबह सुबह। कहता माता वो कह रही है कहीं गलती तो नहीं हो गई, कौन कह रही है, कह रहा जिनके बारे में कल पूछा था कि औलाद होगी या नहीं होगी,
कह रही बेटा जब मैंने एक बार बोल दिया कि विधि का विधान है, ये तो विधाता ने लिख दिया है, अब इसको तो कोई भी नहीं बदल सकता, अब उसके औलाद नहीं है, इस जन्म के अंदर तो औलाद का सुख मिलेगा नहीं उसे। बहुत परेशान फिर वापस आता है और उस माता को कहता है कि देवी बिल्कुल गलत, आपकी औलाद नहीं हो सकती, माता ने मना कर दिया, अब हो ही नहीं सकती आपको, गड़बड़ सारा का सारा। औरत रोने लगती है, चली जाती है वहां से, और चली जाती है रोती हुई। और ऐसे ही समय बीतता है, करीब करीब 1.5 साल बीत जाता है। 1.5 साल बाद एकदम एक चमत्कार, एक सिस्टम होता है, वो औरत के हाथ में बच्चा होता है और वो झुलाती हुई उस बच्चे को उस आदमी के सामने ले आती है जो रोज माता से मिलने जाता है। कहती देख मेरे बाल गोपाल हो गया, तू कहता था कि मेरे संतान नहीं होगी, तूने आदि शक्ति से पूछा कि संतान नहीं होगी मेरे, देख मेरे पास तो संतान है, मेरे पास तो बाल गोपाल है, तू भी झूठा है और वो शक्ति भी झूठी है। हैरान परेशान आदमी एकदम उसके जमीन निकल जाती है पैरों से, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सोचता, सीधा माता के पास पहुंचता है, भागता है, वहीं पर पहुंचकर सीधा खड़ा हो जाता है, कहता है माता ये हुआ क्या? वो कहती क्या हो गया, तुझे सांस क्यों चढ़ा हुआ है? कह रहा माता आपने बोला था कि उस औरत के संतान नहीं होगी, मैं 1.5 साल पहले आया था उस औरत के, कि विधि के विधान ने लिख दिया है कि इसके संतान नहीं होगी, लेकिन उसके तो बाल गोपाल हुआ है, उसके संतान हो कैसे गई जब आपने मना कर दिया था? अगर आपने मना कर दिया और संतान होगी तो दुनिया मानना बंद कर देगी ईश्वर को। कह रही तुझे क्या परेशानी है, हो गई तो हो गई, अच्छी बात है उसकी संतान हो गई, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? कह रहा मैं इसलिए परेशान हो रहा हूं कि आपने मना किया था कि इसके संतान नहीं होगी, बाल गोपाल हो कैसे गया इसको? तो कह रहा बिल्कुल, चल इसका आंसर मैं देती हूं तुझे, ये प्लेट उठा और एक चाकू ले। कहता प्लेट और चाकू का करूं क्या? कह रहा जमीन पे जा और जमीन पे लोग बैठे हुए हैं और किसी व्यक्ति के पास जाकर बोल कि माता ने ना उस शक्ति ने ना थोड़ा सा मांस मंगाया है शरीर में से, जरा अपने शरीर में से थोड़ा सा मांस उतार के इस प्लेट में डाल दे, माता को जरूरत है शक्ति को। कहता माता मैं 2 मिनट में गया अभी लेकर आया, तो नीचे जाता है सब आदमियों के पास जाता है, सबके पास जाकर प्लेट आगे रखता है, चाकू आगे रखता है, कहता है वो शक्ति ने मांस मंगाया है, थोड़ा सा आपके गोश्त की जरूरत है। वो आदमी कहता है वो पागल हो गया, उस शक्ति को इसकी क्या जरूरत है माता को हमारी? कहता टाइम वेस्ट मत कर, हम नहीं देते। अब जी वो उधर माता के पास जाता है जो हमारी टीचर माता है, उनके पास जाता है। अब क्या होता है, वो भी मना कर देती है, कहती क्या आप बोरा गए हैं आप है? मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है भैया, मैं कहां से दे दूं ये? ठीक, तो ऐसे करते करते हर व्यक्ति के पास चले जाते हैं, बट कोई भी मांस देता नहीं है माता के लिए। कहते नहीं भैया हम नहीं देंगे, कोई भी ईश्वर के लिए देता नहीं है माता, उस आदि शक्ति के लिए। अब क्या होता है कि हर जगह पर जाता है, कोई भी कुछ नहीं देता, वापस आता है खाली हाथ, कहता है माता कोई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा भैया, मांस वगैरह कुछ नहीं दे रहा, सब कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है हम नहीं देंगे। माता हंसने लग पड़ती है, कहती तू तो मेरा भक्त है, तू तो रोज मिलता है मुझसे, तू ही दे दे। कहते माता क्या कर रहे हो आप? कह रहे मैं कैसे दे दूं, एकदम उसकी जबान हिलनी शुरू हो जाती है। तो कहती एक काम कर, नीचे ना एक पेड़ के नीचे एक योगी बैठा हुआ है, वो योगी ना मस्त है, ठीक, उस योगी को बोल कि माता ने कुछ मांगा है थोड़ा सा मांस, जा लेकर आ, उससे देखते हैं वो देता है या नहीं देता है। तो भागता हुआ जाता है, कहता मैं भाग कर जाता हूं, उस योगी के पास जाता है, योगी मस्त मलंग होकर बैठा होता है, माता का नाम ले रहा होता है वहां पर बैठकर, और माता के जाप कर रहा होता है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब वो उस मस्त के पास जाता है, मस्त को बोलता है, कहता माता ने वो थोड़ा सा आपका मांस मंगाया, जल्दी दे दो। योगी बैठा होता है, योगी कहता है अच्छा माता ने, कहता कमाल है, अपना चाकू रखता है, लेता है और वो सारा मांस धीरे धीरे उतारना शुरू करता है एक बाजू का, और वो प्लेट में सजा कर रख देता है, ठीक है। अब वो जा रहा होता है वापस, कहता वापस आ जा भैया। कह रहा क्या पता माता को किस हिस्से की जरूरत है, दूसरा बाजू लेता है, उसको भी उतारना शुरू कर देता है, डाल देता है प्लेट में। वो जा रहा होता है वापस, कह रहा वापस आ जा भैया, क्या पता माता को किसी और हिस्से की जरूरत हो, ये ले जा पैर से। ऐसे कर 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 वो सारी चीजें अपनी उस प्लेट के अंदर डालकर डाल देता है, आंखें नहीं डालता बस, ठीक है। कहता आंखें रहने दे भैया, ठीक है। कहता कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, मुझे माता मिलन की आस, माता को देखना है दर्शन लेने, ठीक है।
अब वो सब कुछ लेकर चल पड़ता है, माता के सामने जाता है, प्लेट रखता है, हंसने लग पड़ता है, कहता है माता वो तो बहुत अलग व्यक्ति है भाई, करी अलग क्यों है, कह रहा मैंने जरा सा मांगा था उसने तो हर हिस्से को निकाल के दे दिया। करी ठीक है कोई बात नहीं रख दे। तो कहता अब तो बता दो बेबी कैसे हो गया। करी बेटा विधि के विधान ने तो लिख दिया था कि इसे संतान नहीं हो सकती, इसे बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है उसे बच्चा हो नहीं सकता था क्योंकि लिख दिया था, लेकिन ये जो योगी था ना, इस योगी ने इतनी तपस्या की है जीवन के अंदर, और इस योगी ने उस औरत के लिए मांगना शुरू कर दिया, और इस योगी ने जब दुआएं की उस औरत के लिए, जब उसके लिए प्रार्थनाएं की उस औरत के घर के अंदर अच्छा हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, तो विधि का विधान भी पलट गया और इस औरत के घर के अंदर संतान हो गई। ठीक है, कह रही मुझे भी जो चीज नहीं हो सकती थी वो भी मुझे भी करनी पड़ेगी, इसलिए इसके घर के अंदर बाल गोपाल हो गया, अदरवाइज इसका इसके नसीब में तो लिखा था कि इसकी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी दुआओं में वो ताकत थी कि सब कुछ बदल दिया और विधि का विधान भी ऐसे बदल दिया। और ये होती है हमारी जिंदगी की दुआएं कि कुछ भी बदल देती है। हमेशा अच्छा बोलिए, हमेशा अच्छा कहना है जिंदगी के अंदर। जय माता दी आपको।